ये बड़ा सज्जन आदमी है बेचारा है। हाँ, बड़ा अच्छा आदमी है, सज्जनता में। बहुत लंबा गप किया हमने, इतना आपको दिमाग कभी नहीं काम किया। आजकल तो खजा मिर्ची थी, सीधापन करना नाजायज फायदा उठा। हाँ, ये बहुत सज्जन। हमको नहीं लगता है इसका पैसा लौट पाएगा। अधिकारियों का पहले भी फोटो लगा देते हैं, नाम लगा देते हैं, पदनाम लगा देते हैं। पदनाम लगा के उनके क्षेत्र में जहाँ भी वो कार्यरत रहते हैं वहाँ के कर्मियों को कुछ कुछ मैसेज देख अमेजन में रुपया ट्रांसफ़र कराते हैं गिफ्ट वाउचर के नाम, जिसमें कुछ लोग फंस भी जाते हैं। आज से 8-10 दिन पहले हमको SP कटिहार का एक दिन फ़ोन आया कि सर ये नंबर आपका है क्या? मैंने कहा नहीं, ये नंबर मेरा नहीं है। 23 नंबर से हमको मैसेज आया था। मैंने उनको बोला कि ये कोई साइबर क्राइम वाले का नंबर है, इसकी पूरी तहकीकात कीजिए और जांच कीजिए और कार्रवाई कीजिए। फिर 2-3 दिन के बाद हमें अपने कार्यालय के एक दो स्टाफ से फ़ोन आया कि सर ये नंबर से फ़ोन आ रहा है, सर का फ़ोटो लगाए हुए है और कुछ कुछ मैसेज कर रहा है। हम कहे कि नहीं, ये साइबर क्राइम वाला है, सो इसको पुलिस वाले को दे दीजिए। इसी के जस्ट 10 मिनट के बाद IG साहब का फ़ोन आया। IG साहब कहे कि ये नंबर आपका है क्या? मैंने बोला नहीं, तो हमें भी ऐसा फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, तो इसका हम तुरंत तहकीकात करते हैं। मैंने फिर पूर्णिया SP से बात किया कि इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए और इस पर रोक लगाइए, सही आदमी को डिटेक्ट करके कार्रवाई की। उन्होंने जब डिटेक्ट किया तो बताया कि ये बंगाल का आदमी है, पश्चिम बंगाल का आदमी है। फिर ये बात आई गई। फिर आज सवेरे हमको AK राय ज्वाइंट डायरेक्टर साहब फ़ोन किए कि सर आपका एक मैसेज आया था। हम कहे नहीं, मैं तो मैसेज कोई नहीं किया हूँ, तो ये साइबर क्राइम वाले कर रहे होंगे। उसके बाद फिर 10 बजे हमको इलेक्शन ऑफिसर साहब का फ़ोन आया कि सर आपका मैसेज आया था। हम कहे नहीं, मैं तो मैसेज नहीं किया हूँ, आपको साइबर क्राइम के फेरा में पड़ गए क्या? तो बोले कि हाँ सर, हम तो 1,00,000 रुपया ट्रांसफ़र कर दिए। कि अभी तुरंत जाके FIR दर्ज कीजिए। तो उन्होंने K नगर थाना में FIR किया। मैंने IG साहब से बात किया इस पर कि इस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। फिर SP साहब से बात किया। फिर SP साहब से मैंने कहा कि पेपर में अपील दीजिए कि अन्य लोग अब इस शिकार में न हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।